सेशन के अंदर हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस किया था फॉर द बॉन्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डिफरेंट थी कि एज द लिगेंड इज अप्रोचेज टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल ब्रेक्स डाउन एंड देयर विल बी ब्रेक्स इनटू द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, तीन का एक ग्रुप बन जाता है और दो का एक ग्रुप बन जाता है. ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक आपका बाकी है, दैट इज अ बॉन्डिंग इन अ मेटल कार्बोनाइल. मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं उनके अंदर किस तरीके से बॉन्डिंग होती है. ठीक है, और जो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं. कैसे होते हैं, होमोलिप्टिक, क्योंकि उनके कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर एक ही तरीके का क्या होता है, लिगेंड प्रेजेंट होता है. तो कैसे लिगेंड होंगे, होमोलिप्टिक लिगेंड होंगे. अब उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बेसिकली बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा स्पेशल है. तो हमें बेसिकली इसके अंदर जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल. क्या डिस्कस करना है, बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल. सो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बोर्ड विजिबल है बेटा, वंदन मान्या आर्या तो देखिए मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है. मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम्स और मेटल आयन लिंक थ्रू कार्बोनाइल कंपाउंड्स और कार्बोनाइल मॉलिक्यूल थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, देखिए दीज आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इन विच सीओ मॉलिक्यूल लिंक थ्रू मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट. अब देखिए एक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर जो मेटल एटम होता है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. इन दीज कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम यानी जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो. ये किस तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं, होमोलिप्टिक. कैसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि एक ही तरीके का लिगेंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट होता है. तो कैसे किस तरीके के लिगेंड्स हैं, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. जैसे देखिए देखिए इन दोनों की बॉन्डिंग में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्या नेम होगा इसका, मान्या फर्स्ट कंपाउंड का क्या नेम होगा, हाँ जी मान्या, फर्स्ट कंपाउंड का नेमिंग बेटा, मान्या
हाँ वंदन, क्या नेमिंग होगा इसका? सर निकल टेट्रा कार्बोन। आईपीएसी नेमिंग भूल गए। निकल निकलेट होगा, निकल होगा सर। ओके, इस कंपाउंड का नेम होगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो, इसका होगा पेंटा कार्बोनाइल आयरन जीरो, दैट इज हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम जीरो। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, दैट इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल आयरन। इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, नेमिंग होगी पेंटा कार्बोनाइल आयरन जीरो। और जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल और नेमिंग होगा हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम जीरो। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? हाँ जी, क्लास में है कि नहीं? चले गए सब लोग? हाँ जी, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो? हाँ जी सर, मान्या को आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके चलिए, कोई बात नहीं। अब बेसिकली हमें यहाँ इस सेक्शन के अंदर जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है? बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल, क्योंकि जो मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग है वो कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? देखिए, अब तक जितने भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग डिस्कस करी तो उस बॉन्डिंग के अंदर हमने क्या देखा है कि जो लिगेंड है वो लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को डोनेट करता है। लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर वो क्या करता है? डोनेट कर देता है। क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। और इस तरीके से वो क्या बना लेता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर एक और स्पेशल बॉन्डिंग होती है जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। तो क्या होती है बैक बॉन्डिंग? नॉर्मली जो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मेटल एटम और कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसके अंदर दोनों एस और पी कैरेक्टर होते हैं। मतलब एस और पी कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ
जो आपका मेटल कार्बोनाइल के अंदर मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जैसे ये मेटल है और ये कार्बोनाइल है, तो यहां एक्चुअली क्या बनेंगे, सिग्मा और पाई दो बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा और पाई करेक्टर दोनों रहेंगे। क्या करेक्टर रहेंगे, सिग्मा और पाई दोनों करेक्टर रहेंगे। जैसे देखिए ये कार्बोनाइल है, ये आपका बेसिकली कार्बोनाइल का हमने क्या बनाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, और इसके अंदर ये क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है कंप्लीटली फिल। या देखिए ये ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल है, ये वाला ऑर्बिटल खाली है। अब मेटल एटम के पास क्या है, मेटल एटम के पास 5d ऑर्बिटल्स है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें से क्या होता है, कुछ कंप्लीटली फिल होते हैं और कुछ वैकेंट होते हैं। तो क्या करेगा, जो मेटल कार्बोनाइल है, मेटल कार्बोनाइल के जो कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देंगे, और डोनेट करने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ये क्या हो गया आपका, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब दूसरा क्या होता है, जो मेटल एटम के कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, क्या है, मेटल एटम के जो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटल कार्बोनाइल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे ये कंप्लीटली फिल्ड, ये आपका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसके दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और इसे क्या बना देगा, यहाँ पाई बॉन्ड। मतलब जो पहला सिग्मा बॉन्ड बना उसके अंदर ये जो कार्बोनाइल मॉलिक्यूल है, सीओ मॉलिक्यूल है, वो डोनर है और ये एक्सेप्टर है, मेटल एटम एक्सेप्टर है। जबकि सेकंड जो पाई बॉन्ड बना, उस पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है, ये जो आपका मेटल है, मेटल एटम है, वो डोनर एटम है, और ये जो कार्बोनाइल मॉलिक्यूल है ये एक्सेप्टर है। तो जो आपके मेटल एटम के कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड। नॉर्मली जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक कैरेक्टर होता है, सिग्मा कैरेक्टर होता है। लेकिन यहां क्या होता है, मेटल कार्बोनाइल के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं, साथ में जो कंप्लीटली फिल मेटल के डी ऑर्बिटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें वो डोनेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बैक बॉन्डिंग हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इसने इसको डोनेट किया और इसने वापस इसको डोनेट कर दिया, तो बैक बॉन्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग में आपका मेटल एटम डोनर है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका क्या है, एक्सेप्टर लिगेंड। कैसा लिगेंड है, एक्सेप्टर लिगेंड। लिगेंड जबकि डोनर होते हैं, जबकि यहां पर क्या होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर लिगेंड। इज इट क्लियर। और ये जो बैक बॉन्ड, ये जो बैक बॉन्डिंग है वो मेटल कार्बोनाइल को एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करती है। क्या करती है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करती है। तो मेटल और कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के बीच में, सीओ मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इज इट क्लियर। एनी डाउट? समझ में आया बैक बॉन्डिंग कैसे होती है? This is called bonding in metal carbonyl. That is what? Bonding in metal carbonyl. Any doubt? अब last topic है
stability of coordination compound in the solution. Stability of coordination compound in solution. तो coordination compound की solution के अंदर जो stability होती है that will be determined by stability factor. किसे determine करते हैं? Stability factor या stability constant. It is determined by stability constant. और ये जो stability constant होता है उसको हम represent करते हैं beta से. किसे represent करते हैं? Beta से. जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा स्टेबल होगा सॉल्यूशन के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल कि एक मेटल एटम है दैट रिएक्ट विद द फोर लिगेंड एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल ML4. क्या फॉर्म कर रहा है? ML4. अब बेसिकली जब इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप. स्टेप वन क्या होगा? मेटल एटम पहले एक लिगेंड से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा. अब इसके लिए जब मैं आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट चेक करूंगा K1, तो K1 की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ML अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ L1. ये आपका K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है. तो स्टेप टू This ML again react with ligand, it will form ML2. So K2 क्या हो गया? Concentration of ML2 upon concentration of ML upon concentration of L. Again concentration of L. L1 नहीं sorry L. फिर step third क्या हुआ? ML2 again react with ligand. Step by step इस तरीके से bonding होती. ये बना ML3. फिर ML3 react with again with ligand, it will form ML4. तो K3 कैसे हुआ? K3 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ML3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ML2 इनटू L. और K4 क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ML4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ML3 अपॉन ये K1 K2 K3 और K4 की वैल्यू आ गई. अब आपका बीटा कांस्टेंट क्या है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट? बीटा कैसे लिखा जाता है? बीटा इज कंसंट्रेशन ऑफ ML4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ L टू द पावर 4. तो देखिए मुझे ये इक्वेशन चाहिए और मेरे पास ये चार इक्वेशन है 1, 2, 3 और ये 4. ये इक्वेशन मुझे ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और इन चारों डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से. तो देखिए बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा की वैल्यू हो जाएगी K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4. इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए K1 K2 को मल्टीप्लाई किया तो ये ML और ये ML कैंसिल हो जाएगा. फिर K2 और K3 को मल्टीप्लाई किया तो ML2 और ML2 कैंसिल हो गया. K3 और K4 को मल्टीप्लाई किया तो ML3 और ML3 कैंसिल हो गया. तो ऊपर बचेगा ML4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ L टू द पावर 4 और ये आपका हो जाएगा बीटा. तो बीटा की वैल्यू ये आ गई. अब जितने लिगेंड्स होंगे उतने आपके सपोज यदि आपके 5 लिगेंड है मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं तो आपके 5 डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएंगे. यदि 6 लिगेंड है तो 6 डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएंगे. और आपका बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन जनरल बीटा n इज इक्वल टू k1 इनटू k2 इनटू k3 इनटू k4 अप टू kn. ये आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा. और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना आपका मॉलिक्यूल या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही क्या होगा? स्टेबल रहेगा. इज इट क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है सॉल्यूशन में वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वो फैक्टर्स क्या क्या है? पहला चार्ज ऑन अ मेटल आयन. जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल आयन पर उतना आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. दूसरा
बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, इट विल बी मोर लुइस बेस, ठीक है, और वो उतना ही इफेक्टिवली क्या करेगा, मेटल आयन से क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इज इट क्लियर? जितना लिगेंड का स्ट्रेंथ आपका डोनेट करने का ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो मेटल एटम या आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। इज इट क्लियर? तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन मेटल आयन एंड सेकेंड वन बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। जितना ज्यादा मेटल आयन पर चार्ज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा उतना इफेक्टिवली वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उतना आपका मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी रहेगा। इज इट क्लियर? आया समझ में बेटा? यस सर। ठीक है, और इसके साथ ही ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, अब कुछ यूजेस दिए हुए हैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो वो आप इम्पोर्टेंस जो है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, यदि कोई पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस आपको यदि नहीं पता चलती है तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, आप इसके नोट्स कब भेजेंगे? अभी भेज देता हूँ, क्लास ओवर होते ही हाथों हाथ। ठीक है, ओके, इसे ज्यादा फास्ट डिलीवरी चाहिए तो बोलो।